हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय पूजा रेड रोज चैनल। तो मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। मेरा फ्रेंड जो है लंका से आई है, उसको स्पेशली टैटू बनाना है। क्या टैटू बनाए ये मैं शॉप में जाके आपको दिखाऊंगी पूरा, क्या टैटू बनाती है नहीं बनाती है। तो जैसे हम लोग शॉप में पहुँचे, उसका टैटू जो है बनाना स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हो उसका बेटा जो है पे बैठ के खेल रहा है। तो मेरा फ्रेंड जो है फर्स्ट टैटू बना रही है, फर्स्ट टैटू है उसका। और वो जो अपने बेटे के नाम जो अपने हाथों में लिख रही है, उसको थोड़ा सा उसको पेन भी हो रहा था, फिर भी उसने अपने बेटे के लिए बनाया, क्योंकि उसका बेटे का जो है बर्थडे आ रहा है। तो अपने बेटे के लिए वो चाहती थी कि वो अपना बेटे का नाम जो है हाथ में लिखे हमेशा, और सारे ज़िंदगी उसके साथ रहे, ये मोमेंट उसके साथ रहे। तो उसने ये टैटू बनाया, देख सकते हो पूरा। मैं आपको लास्ट तक वीडियो दिखाऊंगी, टैटू का नेम कैसा लग रहा है आप लोग कॉमेंट सेशन में ज़रूर बताएगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे टैटू पर्सनली मुझे भी टैटू बनाना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग देखे होंगे मेरे हाथों में बहुत सारे टैटू है, तो मैंने भी एक टैटू बनाया है। वो वीडियो आप लोग अलग से आएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा वो वीडियो भी। तो आप लोग मेरा फ्रेंड का टैटू का वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए, और कैसा लगा कॉमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने उसको बेटे को ये डेडिकेट किया है। उसका बेटा जब बड़ा होगा देखेगा, बहुत ज़्यादा खुश होगा कि उसकी मम्मी ने उसके लिए टैटू बनाया है। मैं बहुत खुश हूँ कि उसने एक टैटू बनाया है, और ऐसा होना भी चाहिए। एक माँ जो अपने बेटे से प्यार करती हो, कोई माँ जो बच्चे से प्यार करती है, ऐसा प्यार कोई भी नहीं कर सकता किसी से भी। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताएगा। उसको फर्स्ट टैटू था, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, फिर भी वो हंसते हंसते बना रही थी उसके बेटे के लिए। एक दिन हमारे तब हमें जिज्ञासा की खाई बताओ ठीक हुआ छुट्टा खाए ठीक हुए ना। অল্প অল্প এটা লাগাইছে বেসলিং লাগালে হইব না বেসলিং জনসন ভিডিও আছে না তোর কাছে আছে না ওইটা তো গেল।